Students of class 1, today we will study the lesson number 8, Moise likes reading. So the words to know are frightened. Frightened, to be afraid of something, yani khauf zada hona kisi cheez se. Interesting, catching the attention, yani koi bahut dilchasp cheez jo jisko ke apni attention jiski taraf foran jati hai. एंड इंटरेस्टिंग, दिलचस्पी से भरी हुई. द रूम वॉज वेरी क्वाइट, कमरे में बहुत खामोशी थी. मॉइस टर्न द पेज ऑफ हिज बुक, मॉइस ने अपनी किताब का जो सफ़ा है उसको उल्टा. एंड द बुक वॉज लार्ज, किताब बहुत बड़ी थी. इट हैड मैनी कलरफुल पिक्चर्स इन इट, इसमें बहुत सारी रंगारंग तस्वीर थी. देयर आर ओनली थ्री पेजेस, यहाँ पर सिर्फ तीन सफ़े हैं. लेफ्ट, सेड मॉइस टू हिमसेल्फ, तो मॉइस ने ये अपने आप से कहा. हाउ सैड, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स मॉइस केम टू द लास्ट पेज, उसने कहा कि सिर्फ तीन ही सफ़े हैं तो ये कितनी जो है वो सैडनेस की बात है या कितनी परेशानी की बात है, उसने अपने आप से कहा जब उसने आखिरी सफ़ा को उल्टा. वाओ, दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग बुक, सैड मॉइस, मॉइस ने कहा कि ये बहुत दिलचस्पी से भरी हुई किताब थी. ही क्लोज द बुक एंड गॉट अप, वो उसने किताब को बंद किया और खड़ा हो गया. ही रिटर्न द बुक टू द शेल्फ, तो शेल्फ में उसने किताब वापस रख दी. देन ही लुक्ड एट द क्लॉक, वो क्लॉक की तरफ गया. ऑन द वॉल, जो कि दीवार पर लगा था. द क्लॉक टोल्ड हिम इट वॉज द 10 past 5, क्लॉक पर जो वक़्त था वो 5:10 थे. ओह डियर, क्राइड मॉइस, मॉइस जो था वो चिल्लाया. हाउ डिड दैट हैपन, ये कैसे हो गया. आई हैव मिस्ड माई बस, मैंने अपनी बस जो है वो छोड़ दी है. मॉइस लुक्ड अराउंड, इधर उधर देखा उसने चारों तरफ. एंड देयर वॉज नोबडी इन द रूम, कमरे में कोई मौजूद नहीं था. He was alone, वो बिल्कुल अकेला था. The window and the doors were locked, जो खिड़कियाँ दरवाजे थे वो भी लॉक थे. Moise became a little frightened, तो वो थोड़ा सा घबरा गया और खौफ ज़्यादा हो गया. Moise went to a large desk, एक बड़े डेस्क के करीब गया. On the desk was a telephone, वहाँ पर फ़ोन पड़ा था. Beside the telephone there was a sheet of a paper and it said सीनियर मास्टर 9776431 2. तो वहाँ उस डेस्क पर फ़ोन के पास एक स्लिप पर यह नंबर लिखा हुआ था. मॉइस पिक्ड अप द फ़ोन एंड डायल्ड द नंबर, उसने फ़ोन उठाया और ये नंबर डायल किया. यस, सेड अ वॉइस ऑन द अदर एंड ऑफ द फ़ोन, तो दूसरी तरफ से ये जवाब आया. यस, जी हाँ, प्लीज़ सर दिस इज़ मॉइस, उसने कहा मेहरबानी से सर ये मॉइस है. सेड मॉइस, व्हाट टाइम डज द स्कूल लाइब्रेरी ओपन, किस वक़्त स्कूल की लाइब्रेरी जो है वो खुलती है. 9 o'clock इन द मॉर्निंग, सेड द सीनियर मास्टर, जो सीनियर मास्टर था उसने बताया कि इट्स 9 o'clock. ओ डियर, सेड मॉइस, 9 o'clock, तो मॉइस ने कहा कि 9 बजे. यस, said the senior master, can't you wait till then to read a book, tum tab tak intezar nahi kar sakte. No, no sir, replied Moise, Moise ne jawab diya, nahi, I can read many books till then, tab tak to main bahut si kitabein pad lunga. Then why are you calling me now, ab tum mujhe kyun call kar rahe ho, asked the senior master, senior master ne pucha. Why do you want to get into the library? आप क्यों लाइब्रेरी आना चाहते हो? I don't want to get into the library, cried Moise. Moise ने कहा कि मैं लाइब्रेरी के अंदर नहीं आना चाहता. I am in the library and want to get out. I am locked in. उसने कहा कि मैं पहले से लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हूँ और मैं बाहर जाना चाहता हूँ और मैं लॉक हो गया हूँ, इसके अंदर जो है वो मैं मौजूद हूँ. So this lesson has been written by Nicholas Horsburgh
एंड निकोलस हॉर्सबर्ग इज ऑल्सो ऑथर ऑफ दिस बुक. लेट्स कम टूवर्ड्स द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज ए कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो आई हैव प्रिपेयर्ड द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. What was Moise doing in the room? Moise was reading a book. What was the time on the clock? The clock told him it was 5:10. Part C. Why did Moise not look at the clock before? Moise did not look at the clock because he was busy in reading. Part D. Why was Moise a little frightened? He was alone at home, so he became frightened. Whom did Moise call on the telephone? Moise called the school librarian. What did the senior master ask Moise? He said, "Can't you wait till then to read a book?" And part G, what did Moise tell the senior master? I can read many books till then. So this was the reply of the Moise. And let's come towards the next question, working with words. Use these doing words in the sentences of your own. So I have already written the sentences. Let's share the words and sentences. First word is turn. We turned towards the school gate. Came. Ali came yesterday. Closed. I closed the door. Return. He returned home safely. Looked. Don't look at him. Told. I told a story. Missed. She missed a bus. Locked. The boy locked in the library. So these were words and sentences we have done, and we have also done the comprehension question answers. And next day we will do the next lesson. Take care. Bye bye.